कि वो राजपूत समाज से आते हैं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही काम करते हैं। जब 6 तारीख को जो विवाद हुआ था उससे लगा के 16 तारीख जो रैली हुई और आज दिन तक आपने उन लोगों को कहीं भी नहीं देखा होगा, न इस आंदोलन में, न उस रैली में, न उस रैली में कोई सहयोग किया होगा, न कोई भी व्यक्ति न इस धरना स्थल पर आया ना बैठा। तो वो हमारे समाज के हुए कहाँ से? वो हमारे समाज के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है और भारतीय जनता पार्टी में ही काम कर रहे हैं। समाज ने हमको यहाँ बुलाया, हमसे कहा कि आपको आना है और हम समाज का काम करते हैं, हर जगह अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं। तो हम सभी भाइयों ने मिलकर निर्णय किया था कि 16 तारीख को हम रैली करेंगे, रैली के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमने पहले से पोस्टर भी जारी करा था और यदि वो लोग यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, वैसे ही समाज का दायित्व संभालते और समाज की लड़ाई में शामिल होते तो कहीं ना कहीं हमको लगता कि 2 गुट हुए। 2 गुट नहीं हुए, गुट एक ही है, पूरा समाज एक है। खाली जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं 15-20 जने जो वहाँ उपस्थित थे, उन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहीं ना कहीं कोई प्रधान के पद पे उपस्थित है, कोई यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन है, इस प्रकार से उनके वो दायित्ववान पदाधिकारी भी हैं जिनकी रोजी रोटी उन्हीं के जो मैडम है उन्हीं के आधार पर चलती है, उनकी राजनीति भी उन्हीं के आधार पर चलती है। तो उन पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, पर समाज किसके साथ है ये आपने देख लिया होगा 16 तारीख में और आगे आने वाले समय में भी आपको पता चल जाएगा कि समाज हमारे साथ है क्योंकि हम सब एक हैं। अपनी रणनीति समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज की लड़ाई लड़ने में बाहरी और अंदरूनी कुछ नहीं होता है। मेरा गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है तो उनका 50 दूर होगा, पर यदि राजपूत समाज पर किसी ने टिप्पणी करी है तो हम सब राजपूत हैं। मेरे पे भी वो टिप्पणी लागू होती है जैसे झालावाड़ वालों के ऊपर होती है, तो मैं मेरा कर्तव्य को निर्वाह करते हुए जब मेरे समाज के बारे में बोला गया है तो मैं उस लड़ाई में शामिल होने आया हूँ। अब आपका आंदोलन आगे किस तरह से? हम अभी 6 जने भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं आज से, अभी से 6 जने हम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और हमारी पहली मांग है कि संजय ताऊ को पद मुक्त किया जाए और वो माफी मांगे, जो उसने गलत करा है उसकी माफी मंगवाना चाहते हैं कि हाँ उसने अभद्रता करी है और उस वीडियो में साफ साफ दिख रही है। उस वीडियो के बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने पे लगी है कि उनका व्यक्ति गलत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी गलत है। इस्तीफा दे किस तरीके से पदमुक्त चाहते हैं? इस्तीफा दिया है उनने और इस्तीफे में ये लिखा है, मैंने आपको पढ़ के भी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वो ये बोल रहे हैं कि मैंने आज दिन तक कभी समाज पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, ना आगे करूँगा, पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आहत होकर उनने इस्तीफा दिया है। तो वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनके ऊपर दबाव बनाया है, जबकि हमने मांग पार्टी से करी है। हमने 6 जुलाई से ही हम लगातार इस आंदोलन के लिए लगे हुए थे। हमारे पोस्टर विमोचन आप देख लीजिएगा, हमने जितने भी पोस्टर विमोचन किए, जितने भी पोस्टर बनाए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी संजय ताऊ को पदमुक्त करे। हमने कभी नहीं कहा कि वो इस्तीफा दे। जब हमारे ही समाज के लोग जो पार्टी में काम करते वो हमारे पास आए थे कि वो इस्तीफा दे रहा है, तो हमने कहा कि वो इस्तीफा दे रहे तो भी हम स्वीकार करने को तैयार है, पर उसमें लिखे कि मेरे से गलती हुई थी। वो उल्टा हम पे आरोप लगा रहे कि मैंने कुछ नहीं करा, फिर भी आप मेरे से इस्तीफा मांग रहे हो, फिर भी मैं आपकी वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ। नहीं, हम ये चाहते हैं कि उनने गलती करी, वो गलती को स्वीकारे और उस इस्तीफे में लिखे कि हाँ मुझसे जो भले चाहे उनसे जाने अनजाने में गलती हुई हो, पर गलती गलती होती है, तो उसमें लिखे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, इसकी मैं क्षमा चाहता हूँ और इसलिए मैं पदमुक्त होना चाहता हूँ। ठीक है।